नमस्कार साथियों एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डी ए गुरु जी पर तो चलिए साथियों तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को आज के सेशन को पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस क्लास साथियों अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं क्लास का टाइम टेबल हो गया और जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको व्हाट्सअप पे मिलते हैं तो आप इस पर एक मैसेज करके वो सब कुछ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा साथियों इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे अपडेट जो है देता रहता हूँ इसके अलावा मैंने आपको बताया था साथियों अगर आप लोग चाहे बेड की तैयारी करो चाहे डी एड तैयारी करो या टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं यहाँ पर आपको सारे अपडेट और सारी जो तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया था अगर आप साथियों बी की तैयारी कर रहे हैं तो नया बैच जो है लॉन्च हो चुका है ठीक है बी एड परीक्षा के लिए विनर बैच और ये सारे स्टेट वालों के लिए क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट हर स्टेट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब कुछ पढ़ाया जाता है हिंदी इंग्लिश जी के मैथ रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड ए टू जेड जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लास हो गया मॉक टेस्ट हो गया आपको कोई किताब भी नहीं खरीदना है आपको यहाँ पर बी के नोट्स हो गए ई बुक हो गया रिकॉर्डेड वीडियोज हो गए प्रैक्टिस सेट हो गए सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है ये सब कुछ आपको मिल रहा है बेटा किसमें सात सौ उनचास रुपये में तो आप सभी को इस तैयारी में जुड़ना है तैयारी जो जीत की है इसमें आप सभी को जुड़ना है कैसे जोड़ सकते हैं वो सिंपल सा प्रोसेस है डीएर गुरी ऑफिसियल करके ऐप है इसको डाउनलोड करो ठीक है इस ऐप को डाउनलोड करिए रजिस्टर करिएगा आपके सामने ये पेज खुल के आएगा आपको जाना है इस पर सबसे ऊपर दे दिया जाएगा विनर बैच आपको इस पर क्लिक करना है और आपके बाद ये वाला पेज खुल जाएगा और आपको सिंपली बाय नाउ पे जो है क्लिक करना है अगर कोई डे वाला है तो वहाँ पर आपको विनर के अलावा उड़ान बैच दिख जाएगा वो ले सकते हो ठीक है तो आपको क्या करना है उसके बाद पे ऑनलाइन पे, पे क्लिक करना है उसके बाद गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम जो भी चलाते हैं उसकी से जो है जुड़ सकते हैं जो क्लासेज अपनी देख सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ अपने जो है ससन की तरफ चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का देखिए कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था आपने देखा होगा इसी के आगे हम लोग पढ़ रहे हैं काफी लोगों ने उसका जवाब जो देने का प्रयास किया था देखिए क्वेश्चन क्या था भाई कह रहा है जिस प्रकार गोवा का संबंध जो आपका किससे पर्जी से है ठीक है गोवा का संबंध पर्जी से उस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा भाई देखो गोवा की राजधानी क्या है पर्जी है सबको पता भाई गोवा की राजधानी क्या है पर्जी है उसी प्रकार पूछा गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई इसकी राजधानी क्या है काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया था पोर्ट ब्लेयर ठीक है तो जितने भी लोगों ने इसका जवाब दिया था भाई पोर्ट ले वो लोग आपके यहां पर जो है करेक्ट है तो आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर साथियों कौन सा ऑप्शन नंबर डी साथियों आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है बिल्कुल गुड आफ्टरनून शेयर कर दो भाई बस जो है क्लास को शेयर कर दिए संख्या बढ़ा दीजिए और अपना अटेंडेंस अगर लगाना है तो एक लाइक एक एक लाइक करके जो अटेंडेंस लगा दीजिए जितने लोग यहाँ पर जो क्लास को देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं ठीक है बढ़ा जाएंगे चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से स्टार्ट होता है क्या कह रहा है मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है भाई मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता जो कब होती है ध्यान देखिएगा चरित्रहीन बनने में नैतिक नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में सामान्य व्यवहार में अपराधी आप को आपराधिकार करने में तो नैतिकता का जो स्तर है इसको ऊंचा रखने में जो है कह सकते हैं जो मानसिक दृढ़ता है उसकी आवश्यकता पड़ती है तो आपका जो दिया कौन सा ऑप्शन नंबर साथियों बी वाला उत्तर यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टीमर को स्टीमर को ये लिखा जाता है टी यू एफ बी एन एफ एस तो हाउस को जो उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे भाई हाउस को कैसे लिखेंगे भाई स्टीमर दिया गया है यस का कोड होता है उन्नीस टी का कोड होता है बीस ई का कोड होता है पाँच ए का होता है एक यम का होता है तेरह ई का पाँच आर का अट्ठारह यहीं पर कोड लिख दिया है इसी प्रकार यहाँ पर देखो यस अच्छा यहाँ पर एक ही एक आगे बढ़ाया देखो टी का होता है बीस यू का होता है इक्कीस यफ का होता है छ बी का होता है दो एन का होता है चौदह यफ का होता है आपका छः यस का होता है उन्नीस यहाँ पर देखेंगे एक एक आगे बढ़ गया यस से टी हो गया टी से यू हो गया फालतू मैंने कोड लिख दिया बट ठीक है प्लस एक प्लस एक प्लस एक सब में हुआ है तो यही सेम काम हाउस में करेंगे यच का एच के बाद क्या आएगा एच के बाद आता है आई ठीक है ओ के बाद पी आई पी यू के बाद भी आता है यस के बाद टी आता है ई के बाद आता है तो आपका उत्तर पहला वाला ही सही हो जाएगा आई पी वी एफ ठीक है आईपी भी टी एफ जितने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहां पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे ऑप्शन नंबर ए साथियों वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है, है, है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है देखो भाई अगर प्लस का अर्थ भाग है माइनस का अर्थ गुड़ा है भाग का अर्थ माइनस है गुड़े का अर्थ प्लस है तो इसको हल करते हुए चलना भाई पच्चीस है गुड़े दिया गया गुड़े गुड़े है गुड़े का अर्थ क्या भाई गुड़े का अर्थ जो आपका प्लस है तो प्लस आपका पाँच हो जाएगा फिर भाग दिया गया है भाग का अर्थ क्या भाई भाग का अर्थ माइनस है तो माइनस आपका अट्ठारह हो जाएगा फिर आपका यहाँ आप पर प्लस दिया गया प्लस का अर्थ भाग है तो भागे यहाँ पर आपका चार हो जाएगा और उसके बाद दिया गया आपका कितना भाई माइनस माइनस का अर्थ क्या है गुड़ा है गुड़े आपका दो हो जाएगा हल करते हैं भाई पच्चीस प्लस पाँच पच्चीस पाँच तो जोड़ सकते हो तीस आ जाएगा ठीक है माइनस अट्ठारह भागे चार गुड़े दो है तो इसको सकते लिख सकते हो अट्ठारह बटे चार मल्टीप्लाई बाई टू लिख सकते हो ठीक है अब इसको हल करो भाई दो दूनी चार दो नवा अट्ठारह तो कितना बचा भाई तीस माइनस नौ कितना आ जाएगा तीस में से नौ घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा इक्कीस आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई आपका इक्कीस आ जाएगा तो इक्कीस जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ट्वेंटी वन जितने लोग यहाँ पर ट्वेंटी वन जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है ट्वेंटी वन जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है साथियों वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है समझ में आ गया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है तीन सौ इकसठ है फिर क्वेश्चन मार्क है फिर एक सौ उनहत्तर है फिर एक सौ इक्कीस है फिर उनचास है फिर पच्चीस है तो उल्टा चलते हैं हम लोग क्योंकि उधर से इधर आना आसान है ये देखो पाँच का स्क्वायर है ठीक है ये आपका सात का स्क्वायर है एक सौ इक्कीस किसका स्क्वायर होता है ग्यारह का स्क्वायर होता है एक सौ उनहत्तर तेरह का स्क्वायर होता है तो पाँच दो सात दो पाँच दो सात फिर सात फिर सीधे ग्यारह आ गया ठीक है ग्यारह के बाद तेरह आया है अब यहाँ पर देखो ये उन्नीस का स्क्वायर है ठीक है अब यहां पर दिमाग में चल रहा होगा कि पांच सात ग्यारह ये सीरीज चल रही है किसकी अभाज्य संख्या की सीरीज चल रही है देखो पांच अभाज्य संख्या सात नौ आपका भाज्य था नौ को नहीं लिया गया ग्यारह आ गया तेरह आ गया पंद्रह नहीं लेंगे क्योंकि पंद्रह आपका भाज्य संख्या पंद्रह सत्रह सत्रह का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा सत्रह का स्क्वायर हो जाएगा दो सौ नवासी कितना हो जाएगा दो सौ नवासी टू एट नाइन हो जाएगा तो दो सौ नवासी ऑप्शन नंबर डी वाला साथियों आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है डी जितने भी साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी साथियों वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है चलिए भाई क्लियर है तो अच्छी बात है समस्या कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए और आगे ऐसे ही आप लोग बढ़ते रहिए ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है आईसी -E दिया गया है जे डी एफ दिया गया है के ई जी दिया गया है एल एफ एस दिया तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आपका क्या आ जाएगा? देखिए आई जे के एल एल के बाद आएगा आपका यम सी डी ई एफ के बाद आ जाएगा आपका जी E F G H के बाद आ जाएगा I, तो M G I आपका उत्तर होगा क्या होगा भाई आपका M G I जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है एम जी आई साथी वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है क्या उत्तर जाएगा भाई आपका एम जी आई जितने भी साथी यहाँ पर जवाब देने साथी हो एम जी आई वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा <Henry> है ध्यान से देखिएगा कोमल का अरुण नामक एक oh, no पुत्र है ध्यान समझो भाई कोमल का hey, अरुण नामक पुत्र है यानी कि कोमल का एक बेटा है क्या है उसका नाम कोमल का एक बेटा है जिसका नाम अरुण है ठीक है क्या भाई आपका अरुण है राहुल कोमल का भाई है कोमल का एक भाई जिसका नाम क्या है राहुल है ठीक है राहुल कोमल का भाई है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है नीता की भी रीमा नामक नीता रीमा को हटा दो अभी नीता राहुल की बहन है राहुल की बहन का नाम क्या है भाई आपका नीता है भाई ठीक है राहुल कोमल का भाई यानी कि ये सब भाई बहन हो जाएंगे ठीक है और नीता की एक पुत्री है जिसका नाम क्या है रीमा है तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध भाई अरुण और रीमा का क्या संबंध होगा भाई देखो अरुण के जो माँ है उसकी बहन कौन है नीता यानी कि अरुण की मौसी की लड़की हो जाएगी तो कह सकते हैं अरुण जो है मौसेरा भाई हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन भाई अरुण क्या हो जाएगा मौसेरा भाई हो जाएगा तो जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं मौसेरा भाई वो लोग लो आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सी उत्तर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल एक सौ एक प्रतिशत आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा समझ में आ रहा है ना भाई एक एक लाइक की संख्या और शेयर जो है करते हुए चलेंगे जितने तो लोग यहाँ पर जुड़े हैं लाइक और शेयर करना किया करो किया भाई आप लोग का ये ये क्या शेयरिंग इज केयरिंग तो अगर मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा केयर करो ना भाई शेयर करो और केयर करो देखिए यहाँ पर कह रहा है प्लस के सामने कौन सा चिन्ह आएगा प्लस के विपरीत में यहाँ सामने कौन सा आएगा प्लस कहाँ पे ये है प्लस ठीक है प्लस के साथ क्या है त्रिभुज और भाग है तो कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहाँ पर भाग और त्रिभुज में से कोई एक हो जैसे यहाँ पर भाग यहाँ है भाग यहाँ पर है ठीक है तो अगर भाग भाग यहां पर है तो प्लस के साथ क्या लगा भाई आपका यहां पर देखिए गुड़ा लगा है तो प्लस के साथ गुड़ा है तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा भाई चित्र पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथियों सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही जोजीबाजी तो नहीं कर दी सही सेम ही प्लेस पर तो सही है भाई सेम प्लेस पर है तो प्लस के साथ आपका क्या हो जाएगा घुड़ा हो जाएगा तो ये आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे पर क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है सात का समान अगर आपका चौबीस से तो इसी प्रकार दूसरा समान जो ढूंढते हुए चलना भाई सात या इक्कीस तीन चौबीस दिमाग में चल रहा होगा सात गुड़िया तीन किया सातिया कितना हो गया भाई आपका इक्कीस आ गया इक्कीस तीन आपका चौबीस हो गया ग्यारह तैतीस होता है तीस नब्बे होता है तेईस यहाँ कितना होता है भाई तेईस यहाँ आपका होता है उनहत्तर और उनहत्तर और तीन कितना हो जाएगा बहत्तर होता है तो इस लॉजिक से सेम लॉजिक देखा जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर साथियों जो दिया गया बी वाला उत्तर ठीक है बी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट जाएंगे ठीक है बी जितने भी साथियों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए भाई तेईस तीन उनहत्तर प्लस तीन कर दिया आपका उत्तर आ गया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है महाराष्ट्र का संबंध जिस प्रकार भारत से है उसी प्रकार बताओ टेक्सॉस का संबंध जो आपका किससे हो जाएगा महाराष्ट्र भारत का कह सकते हैं एक सबसे बड़ा कह सकते हैं एक राज्य थे है भारत का एक राज्य है ठीक है उसी प्रकार टेक्सॉस जो है किस देश का राज्य है ब्राजील है कनाडा है मेक्सिको है या, या यूएसए है तो यहाँ पर याद रखिए टेक्सॉस जो है आपका यूएसए का ठीक है यूएसए का एक राज्य है तो यहाँ पर जो दिया गया आपका बी वाला उत्तर टेक्सॉस वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है टेक्सॉस जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर बच्चा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ध्यान देखिएगा प्रश्न आकृत दिया गया है ये वाला ठीक है इसकी उत्तर आकृत बताते हुए चलना है कौन सा इसमें हो जाएगा देखिए इसका क्या बताना है दी गई प्रश्न आकृति को घुमाने पर कौन सी आकृति जो है प्राप्त होगी अब कितना घुमाना है ये तो लिखा ही नहीं गया भाई कितना घुमाना है तो नहीं लिखा बट यहाँ पर देखते देखते समझने का प्रयास करते हैं अगर पूरा घुमा दे पूरा घुमा दे इसको तो एट द रेट का उल्टा क्या हो जाएगा ये देखिए घूमा ही है ठीक है सब में तो आपका सीधा एट द रेट है लेकिन घुमा सिर्फ देखो आपका बी वाले में ही है ठीक है घुमा तो आपका बी वाले में ही ना तो सिंपल सा आपका यहाँ पर बी वाला उत्तर बनेगा इसमें और कुछ क्योंकि एट द रेट और किसी में नहीं घूमा है सिर्फ घुमा देखो बी वाले में ही है तो बहुत सिंपल सा आपका उत्तर क्या हो जाएगा भाई बी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री भाई ए की माँ की जो पुत्री है अब ए भी हो सकता है वो बी की माँ है यानी कि वो बी की जो है आपकी माँ है ठीक है तो आपसे पूछा गया है तो ए का जो है बी से क्या संबंध है ए का बी से क्या संबंध है तो ये जो है माँ भी हो सकती है और माँ अगर नहीं है तो मामा हो सकता है कैसे क्योंकि भाई ए की माँ की पुत्री जो होगी हो सकता है ए की माँ की पुत्री कोई हो एक्स आईजेड कोई भी हो उसकी पुत्री कौन है भाई बी है अब ए इसका भाई भी तो हो सकता है भाई हो सकता है बहन हो सकता है तो बुआ मामा माँ दोनों तीनों में से कोई एक उत्तर सही हो सकता है बुआ भी हो सकता है अगर ये उसका बेटी हुई मामा भी हो सकता है अगर भाई हुआ और माँ हो सकता है अगर ये ए और सेम लिया हो लेकिन यहाँ पर दोनों तीनों में से सिर्फ एक ही उत्तर दिया गया मामा वाला तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मामा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है थीके? एक ही सिंपल सवाल लग रहा है यहाँ पर मामा जो है सबसे सही बैठेगा अगर तीनों यहाँ पर उत्तर दिया होता तो हम यहाँ पर कह सकते थे निर्धारित नहीं किया सकता है बट यहाँ पर एक ही दिया है तो मामा आप लोग आराम से बिल्कुल लगा दोगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है बताइए भाई इन चारों में आपको बताना डिफरेंट कौन सा हो जाएगा इन चारों आकृतियों में जो आपका डिफरेंट कौन सा है ये बड़ा ये आपका देखिए क्षैतिज है ऊर्ध्वाधर है ठीक है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज क्षैतिज ऊर्ध्वाधर लेकिन इसमें दोनों में आपका देखिए क्षैतिज क्षैतिज दे दिया है तो इस लॉजिक से देखा जाए तो आपका डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है, है? जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया भाई यस और नो चलिए भाई समझ में आना चाहिए कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी का नहीं होना चाहिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है नौ है सत्ताईस है आठ है चौंसठ है तो आपको बताना है यहां पर कौन सा डिफरेंट है देखो नौ जो होता है तीन का स्क्वायर होता है सत्ताईस आपका तीन का क्यूब होता है आठ जो है दो का क्यूब होता है और चौसठ जो है चार का क्यूब होता है यानी कि यहाँ पर देखा है तो सारे क्यूब है ठीक है लेकिन ए वाले की बात करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर है ठीक है इसको क्यूब में नहीं बदल सकते और सबको क्यूब में बदल सकते हो आप ये कह सकते हो सबको क्यूब में जो है बदला जा सकता है लेकिन आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ये सिर्फ और सिर्फ आपके पूर्ण वर्ग संख्या है पूर्ण स्क्वायर संख्या आपके यहाँ पर नहीं है तो जितने यहां पर जवाब दिया कौन सा ए उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है क्लियर है भाई बिल्कुल शेयर करते रहेंगे संख्या जो है एक एक बढ़ाते हुए चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है टहकना दबाना धकेलना कचरा इन चारों में अलग बताइए क्या हो जाएगा टहोकना है धकेलना है दबाना है कचरा है तो टहोकना धकेलना दबाना एक प्रकार से कोई प्रेस करने वाली क्रिया है लेकिन कचरा देखा जाए तो एक प्रकार से कचरा तो बिल्कुल अलग चीज़ है ना कचरा एक वस्तु हो जाएगा बट टहोकना दबाना धकेलना क्या है क्रिया है वो सब की सब क्रियाएँ हैं लेकिन कचरा कोई क्रिया नहीं है ये एक वस्तु है तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया कौन सा ऑप्शन नंबर साथ ही डी वाला वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है डी जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बिल्कुल डी 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 वो लोग आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भैया चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास जो करते हुए चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है तो यहाँ पर देखिए ई वाला ठीक है इससे कह रहा है ये चार आकृतियां दी गई हैं इससे कौन सी आकृति बनेगी ढूंढो भाई ये त्रिभुज हमें ढूंढो ये त्रिभुज उल्टा करके यहाँ पर दिया गया ठीक है उल्टा करके चलो नहीं चाहिए हमको ऐसे में चाहिए ठीक है ऐसे में चाहिए ऐसे में हमें देखो यहाँ मिल जा रहा है ठीक है चलिए यहाँ मिल गया है उसके बाद हमें ये ये चाहिए।, ये चाहिए ये भी हमको देखो यहाँ मिल जा रहा है ठीक है ये भी मिल गया ये त्रिभुज चाहिए हमको ये त्रिभुज भी हमको यहाँ मिल गया गोला चाहिए हमको ये गोला भी यहाँ मिल गया सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सी 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 जितने मैंने यहाँ पर सी जवाब दिया है बिल्कुल एक सौ एक प्रतिशत आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताना ये श्रृंखला कौन सी कंप्लीट करेगा भाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह बहुत सिंपल सा सीरीज चल रहा है भाई देखो सब में बी एस सी बी एस सी भरते चले जाओ बी एस सी ठीक है बी एस सी ठीक है बी एस सी बी एस सी तो वही सीलिए चल रहा है बी ए सी का इधर ये क्वेश्चन था तो हमने क्या क्या भरा है सी भरा है सी भरा है बी भरा है ए भरा है सी सी बी ए यानी कि ऑप्शन नंबर जो दिया गया बी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है बी जितने भी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट जाएंगे सी सी बी ए आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया चलिए भाई समझ में आ जाए कोई समस्या कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है यदि आगामी शुक्रवार के तीन दिन बाद पंद्रह जून पड़ता है तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा भाई आगामी शुक्रवार के तीन दिन बाद पंद्रह जून पड़ता है अब ध्यान समझो पंद्रह तारीख को क्या पड़ेगा भाई शुक्रवार के तीन दिन बाद पड़ता है पंद्रह तारीख शुक्रवार के तीन दिन बाद यानी कि शनिवार रविवार सोमवार तो एक चीज़ कह सकते हो कि सॉरी uh, तीन दिन बाद कह रहा था तीन दिन बाद यानी कि तीन अगर बाद करेंगे तो स, uh, क्या वो आ जाएगा भाई आपके यहाँ पर शनिवार uh, आ जाएगा सोमवार आ जाएगा शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार यानी कि पंद्रह तारीख को तीन दिन बाद क्या पड़ेगा मंगलवार पड़ेगा चलिए भाई पंद्रह तारीख को आपका मंगलवार पड़ गया तो अंतिम तारीख को क्या पड़ेगा भाई अंतिम तारीख जून है जून में तीस का महीना होता है तो तीस तारीख को क्या पड़ेगा पंद्रह सात बाईस तारीख को मंगलवार बाईस सात उनतीस तारीख को मंगलवार उन्तीस के बाद एक दिन बाद तीस आएगा तीस तारीख को क्या पड़ जाएगा बुधवार पड़ जाएगा तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा बुधवार आपका उत्तर आ जाएगा ठीक है बुधवार जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग आपके यहाँ पर जो है कर जाएंगे बुधवार आपके यहाँ पर जो है करेक्ट वाला उत्तर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है यस और नो चलिए भाई समझ में आ जाए कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है बिल्कुल कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताते हुए और लाइक like और शेयर करते हुए चलो दबा के एकदम शेयर कर दिया करो जिससे और लोग यहाँ पर जो है जुड़ सके अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कथन है सभी कौवे पक्षी हैं तो ये सभी कौवा हो गया ठीक है सभी कौवे जो है आपके क्या है पक्षी हैं सभी कौवे आपके पक्षी हैं और सभी मोर कौवे हैं सभी मोर कौवे हैं ठीक है, है। यानी कि इसके भी अंदर आपका मोर बनेगा एक छोटा सा इसको चेंज कर दो इसके अंदर मोर बना दो ठीक है ये आपका मोर बन गया ये आपका सभी मोर आपके क्या हो गए कौवे हो गए ठीक है क्या कह रहा सभी मोर पक्षी हैं मोर अंदर पक्षी बाहर तो बिल्कुल सही बात है और सभी पक्षी मोर, पर, मोर है गलत है जब सभी मोर पक्षी हैं तो सभी पक्षी मोर नहीं हो सकते पक्षी जब अंदर बाहर उल्टा हो जाएगा ना तो पहला वाला निष्कर्ष आपका यहाँ पर देखिए सही निकल रहा है तो केवल और केवल निष्कर्ष एक सही निकलता है ठीक है एक सही निकलता है तो जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर साथी हो कौन सा ऑप्शन नंबर साथी हो सी वाला उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है सी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्लियर बच्चा यस और समझ में आ रहा है भाई चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा भैया चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखिएगा एक प्रतियोगिता में पांच लड़कों ने भाग लिया मोनू का स्थान सोनू से नीचे था मोनू का स्थान जो है सोनू से नीचे था तो सोनू से नीचे रख देते हम लोग सही से लिख देता हूं सोनू से जो है नीचे रख देते हैं हम लोग मोनू को ठीक है फिर कह रहा है अजय का स्थान दीपक से ऊपर था अजय दीपक को भी डू कुल का स्थान मोनू और अजय के बीच में था मोनू और अजय के बीच में किसका स्थान था भाई कुणाल का स्थान था ठीक है मोनू और अजय के बीच में किसका स्थान था भाई कुणाल का स्थान था और कुणाल का जो कुणाल का स्थान हो गया ठीक है अब यहाँ पर क्या था अजय का स्थान दीपक से ऊपर था तो यहाँ देखो दीपक से ऊपर अजय का स्थान हो जाएगा ठीक है बताए इस प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान किसे मिला सबसे ऊपर कौन है भाई सोनू भैया बैठे हुए सबसे ऊपर कौन है भाई सोनू बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सर्वोच्च स्थान किसका हो जाएगा सोनू का ही तो होगा भाई सर्वोच्च स्थान किसका हो जाएगा सोनू का हो जाएगा तो जित तरह ने यहाँ पर जवाब दिया सोनू साथियों वो लोग आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है क्लियर है यस और नो चलिए भाई क्लियर है जाए कोई समस्या कोई दिक्कत जो है आप सभी को नहीं होनी चाहिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है यदि मोपेड पर सवार मोपेड मतलब स्कूटर होता है एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में चार किलोमीटर सवारी करता है मान लेते हैं यहाँ पर दक्षिण दिशा में कितना चलता है भैया चार किलोमीटर चलता है ठीक है फिर बाई ओर मुड़ता है और दो चलता है बाई ओर मुड़ा कितना चला भैया आपका दो चलता है पुनः अपने दाई और मुड़ते मुड़कर चार चलता है चार चल गया भैया तो किस दिशा में चल रहा भाई नीचे ही चल रहा है बेटा और नीचे कौन सी दिशा होती है नीचे दिशा होती है आपकी दक्षिण दिशा ही होती है तो आपका जो दिया गया कौन सा डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा ठीक है नीचे तो दक्षिण दिशा ही होती है ना तो यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्लियर है यस और नो समझ में आ रहा भाई चलिए समझ में बिल्कुल काहे नहीं आएगा भाई ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा भैया ठीक है चलिए बता रहा है यहाँ पर खाली स्थान पे जो आपका क्या भरा जाएगा ठीक है खाली स्थान पे जो है फटाफट बताते हुए चलेंगे जो आपका यहाँ पर क्या भरा जा सकता है चलिए देखते हैं भाई तो सबसे पहले यहाँ पर ये यह हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ पर एक स्टार बन जाएगा जो भी जैसे बना सकते हो वैसा बना लीजिएगा स्टार बन गया कुछ ज़्यादा स्टार बेकार नहीं बन गया थोड़ा सा ही बना देते हैं चलो स्टार बन गया उसके बाद यहाँ से अच्छा दो स्टार बनेगा भाई क्योंकि यहाँ से पहले ये भी तो निकल के आएगा दो स्टार बन गया आपका यहाँ पर दो स्टार बन गया और ये आपका ऐसे है ठीक है ऐसे है तो अगला क्या आ जाएगा ऐसे आ जाएगा ठीक चलिए भाई ऐसे आ गया और नीचे आपका ये दो ठू ऐसे बनेगा दो टू और एक ठू ऐसे बनेगा ठीक है और ऐसे है तो आपका देखिए ऐसे जैसे बना चाहो बना दो उससे दिक्कत नहीं है इस पर फोकस करो ये बीच में ये बना दिए तो होगा नहीं ये उल्टा ही बन गया भी नहीं होगा इसमें एक स्टाफ बना ये भी नहीं होगा बच्चा आपका डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर कर जाएगा ठीक है बनाया सही ना डी वाला उत्तर जितने पर जवाब दिया है डी उत्तर वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे डी 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 क्लियर बच्चा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है हाँ वाणिज्य और कृषि में मिलकर कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं सत्तर एक सौ बीस चालीस एक सौ दस ध्यान से देखो भैया वाणिज्य और किस में कृषि में मिलकर वाणिज्य यहाँ पर है और कृषि यहाँ पर है कुल कितने विद्यार्थी भैया चालीस यहाँ पर है सत्तर यहाँ पर है तो सत्तर चालीस मिलकर कितना हो जाएगा भाई कुल मिला कि कितना हो जाएगा सत्तर चालीस एक सौ दस विद्यार्थी अध्ययनरत हैं कितने भाई एक सौ दस विद्यार्थी जो है अध्ययनरत हैं तो एक सौ दस जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है एक सौ दस जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग बच्चे आपके यहाँ पर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे भाई क्लियर है चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर जो है क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे और सभी तो लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया चलिए अगला क्वेश्चन है देखो ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ध्यान से देखते हुए चलिए भाई यहाँ पर तैंतीस है यहाँ पर बाईस है उससे नहीं मतलब है ये नगर में रहने वाले हैं ये पुरुष हैं ये शिक्षित हैं ये सिविल कर्मचारी हैं तो कह रहा ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो नगर में रहने वाले नहीं हैं शिक्षित पुरुष ये हो गया और नगर में रहने वाले हमको नहीं चाहिए तो नगर में ये ये तैतीस आ रहा है बाईस आ रहा है चार आ रहा है छह आ रहा है दस आ रहा है इनको हटा दो हमें चाहिए शिक्षित पुरुष चाहिए और बस शिक्षित पुरुष जो नगर में नहीं रहते हैं तो शिक्षित में आपका देखो इक्कीस बच्चा है पैंतालीस बच्चा है इक्कीस पैतालीस जोड़ो कितना आ जाएगा पांच एक छह ठीक है सॉरी माफ कीजिएगा पुरुष भी चाहिए ना हमें शिक्षित भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए तो पुरुष आपका सिर्फ इक्कीस हो जाएगा ठीक है पुरुष आपका इक्कीस हो जाएगा और ये आपका अठारह हो जाएगा तो इक्कीस अठारह कितना हो जाएगा आठ एक नौ ठीक है दो एक तीन उनतालीस आना चाहिए बट उसने इक्कीस जो जवाब दिया ना इक्कीस नहीं अच्छा माफ़ कीजिएगा हाँ मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ हमें शिक्षित भी जो है ना शिक्षित में तो सिर्फ यही आ रहा है ये अट्ठारह सौ नहीं आ रहा है तो शिक्षित में सिर्फ इक्कीस आ रहा है तो इक्कीस वाला उत्तर आपका कट जाएगा सॉरी माई मिस्टेक माई एलोपोजी माई एपोलॉजी तो यहाँ पर जो दिया गया डी वाला उत्तर क्योंकि शिक्षित और पुरुष में सिर्फ कॉमन इक्कीस ही है और ये सब तो आपका इसलिए हट गया क्योंकि आपका नगर में रहने वाले में आ रहा था इस तरह से हट गया तो बचा कितना इक्कीस बचा तो डी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया भाई यस और नो यस और नो सभी लोग यहाँ पर जो है जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे हम्म अंकों के समूह समय से ऐसे कितने छह हैं जिनके पूर्ववर्ती नौ है और परवर्ती भी नौ हो यानी कि छह के पहले नौ बाद में नौ नौ सौ जोड़ा ढूंढना है भैया नौ सौ उनहत्तर एक हो गया ठीक है नौ सौ उनहत्तर और कहीं पर भाई नौ सौ उनहत्तर ये दूसरा मिल गया नौ सौ उनहत्तर आपका कहीं और है नौ छे छे। दो ही हमको दिख रहे हैं आपको और दिख रहे हैं तो बता दो भाई मुझे तो दो, दो ही दिखे भैया तो ये कितने जोड़े जाएंगे देख लो भाई क्योंकि नजर कभी कभी धोखा खा जाती है तो यहाँ पर दो ही ऐसे जोड़े दिख रहे हैं तो कह सकते हो भैया दो ऐसे जोड़े हैं दो ऐसे जोड़े हैं तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शन नंबर साथ डी वाला उत्तर डी जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे ठीक है क्लियर है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसका दर्पण पर बताइए तो क्या बनेगा दर्पण नीचे लगा है तो आपका जो नीचे फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा ठीक है ये एक गोला है तो गोला जो भी बनेगा इस साइड बनेगा तो ये इस साइड उल्टा बन गया तो ये तो होगा नहीं ये नीचे बन गया, गया भी नहीं होगा सीधा बना है एकदम ये वाला ठीक है और यहाँ पर देखा गया इस तरीके से तो इसका उल्टा बनेगा ना ठीक है माफ कीजिएगा ये वाला बन जाएगा ये सी वाला ठीक है क्योंकि इसका जस्ट सपोज यही तो बनेगा और इसका जस्ट सपोज देखो इसी में आ रहा है तो सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा ध्यान से देख लो भाई सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर जो है जाएगा जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग आपके यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएंगे भैया ठीक है चलिए भाई समझ में आ रहा तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है चलिए भाई एक ये ओपन पाइस ओप, ओपन ओपन डाइस ओपन पासा है तो बताना है कि इसको मोड़ करके जो है कौन सी आकृति जो है बनाई जा सकती है इसको लगाने की तरीका क्या है जैसे ये ए दिया गया ना ए एक छोड़ दो डी लिख दो तो ए के अपोजिट में हमेशा डी होगा इसको याद रखना है ए के अपोजिट में क्या होगा हमेशा डी होगा इसको जो है याद रखना है उसी प्रकार जो आपका ए डी हो गया ई e के अपोजिट में आपका जो है सी होगा तो ई e के पॉइंट में आपका सी हो गया और बच्चा बी और ई एफ बी के पॉइंट में क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा तो ए के डी ई e का सी बी का एफ तो यहाँ पर ए और डी हमेशा बगल बगल नहीं होंगे कहीं भी जैसे कहीं बगल है देखो ए और डी बगल बगल है तो ये वाला पासा नहीं बनेगा एलिमिनेट करना है कहीं ई और सी देखो बगल बगल है देखो ई और, और सी बगल बगल है तो ये वाला भी नहीं बनेगा बी और एफ कहीं बगल बगल है यहाँ पर देखो बी और एफ आप आपका बगल बगल है तो ये पासा भी नहीं बनेगा अब देखो यहाँ पर ए के बगल में कहीं डी नहीं है सी के बगल में कहीं ई e नहीं है बी के बगल में कहीं एफ नहीं है तो ऑब्वियस ये बात है आपका जो दिया गया सी ए वाला उत्तर यही पासा आपका जो है बनेगा भाई ठीक है जितने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए साथी वो लोग आपके यहाँ पर कर रहे हैं यही पासा जो आपका यहाँ पर बनने वाला है ठीक है समझ में आ गया इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से जो लगाते हैं चलिए भाई समस्या कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए समझ में आ गया भाई चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहां पर क्या कह रहा है इसको ऐसे मोड़ा गया फिर ऐसे मोड़ा गया इस तरीके से बन गया इसको खोलने पर कौन सी आकृति बनेगी भाई इसको खोलेंगे तो ऊपर खोलेंगे ठीक है चलिए भाई फिर जो है इधर खोलेंगे तो मेरे हिसाब से देखो थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो मेरे हिसाब से जो है ये वाली आकृति तो बननी ही चाहिए ठीक है क्योंकि इधर काट दिया गया तो डी वाली मेरे हिसाब से बन रही है ये तो ए बन सकती है डी और ए में ज्यादा करेक्ट कौन सा बनेगा इसमें थोड़ा तिरछा हो गया है ठीक है तो तिरछा वाला ही करेगा क्योंकि यहाँ पर काट दिया गया है ना तो ये तिरछा वाला जो दिया गया है ए वाला उत्तर है आपका यहाँ पर जो ए दिया गया है ए आपका यहाँ पर जो है बनने वाला है क्लियर है बच्चा चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है ए वाला यहाँ पर कह रहा है ए वाला लगा लीजिएगा एक बार क्ट कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका देखिए एक सौ पचास दिया गया है ठीक है ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ा जाए ठीक है अगले वाली क्लास जो अगले वाला जो क्लास चलेगी रीजनिंग की अगले क्लास में इसका जो है जवाब आपको दिया जाएगा ठीक है तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं ये आपके लिए होमवर्क है इसका जवाब जो है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जो है बताते हुए चलिएगा तो आज के सेशन में सिर्फ तो इतना ही बाय बाबा टेक केयर जय हिंद जय भारत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए